Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. Students, PNB SO Credit Officer notification is out, and there are 1000 vacancies, right? And today we are going to discuss the eligibility criteria, important dates, and the exam pattern and then exam syllabus. Okay. Let's start the session. Okay. Uh, the date to apply, last date to apply, 25th of February 2024. यू शुड अपलाई टू डे इट्सल्फ लेट मत कीजिए इफ़ यू अप्लाई इन द वेरी फर्स्ट फ्यू डेज यू गेट द लोकल एग्जाम सेंटर अदरवाइज थोड़ा दूर मिलेगा एग्जाम वुड बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल मार्च और अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मोस्ट प्रेबली इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिनिमम एज टू अप्लाई ट्वेंटी वन मैक्सिमम ट्वेंटी एट एंड कट ऑफ डेट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एज फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आपकी एज फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक साल होनी चाहिए राइट देर आर टोटल वन थाउजेंड वेकेंसी रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वेरियस एज कैटेगरीगरीज एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी सबको अलग अलग जो रिलैक्सेशन सब में मिलती है इसमें भी है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यू यू शुड बी एन अ चार्टेड अकाउंटेंट और अम ए फ्रॉम चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और अ सी एफ़ ए फ्राम सी एफ एस इंस्टीट्यूट और अ फुल टाइम एम बी ए और पी जी डी बी एम और पी जी डी बी ए फ्राम अ रिकोगगनाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाई यू जी सी और ए आई सी टी ई विद सिक्सटी परसेंट मार्क्स और इक्वल ग्रेड्स सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ एम बी अगर आपने करा है यू आर एलिजिबल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नो निल कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एम बी ए अगर आपका ट्यूल स्पेशलाइजेशन है आपका है फाइनेंस प्लस मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन चाहिए फाइनेंस की अगर आपकी फाइनेंस प्लस मार्केटिंग है फाइनेंस प्लस एच आर है देन यू आर एलिजिबल देर इज नो इशू इफ मेजर इज मार्केटिंग माइनर इज फाइनेंस देन यू आर नॉट एलिजिबल ठीक है मेजर माइनर का जो है मेजर शुड बी फाइनेंस अगर मेजर माइनर कुछ नहीं लिखा है देन ड्यूल स्पेशलाइजेशन है देन यू आर एलिजिबल ओके प्लीज नोट दैट पॉइंट एंड देर इज अ बॉन्ड पीरियड ऑफ थ्री इयर्स एंड बॉन्ड अमाउंट ऑफ वन लाख रुपी यू डोंट नीड टू पे दैट मच मनी बट आप बॉन्ड साइन करते हो अगर आप तीन साल से पहले रिजाइन डालते हो जॉब छोड़ते हो तो आपको एक लाख अठारह हजार रुपये पे करने पड़ेंगे राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड then there, uh, in the selection process there is a written exam followed by proper interviews hai. in then in the exam there is reasoning ability english language quantitative aptitude and professional knowledge Char parts hai. reasoning ability english language quantitative aptitude and professional knowledge 120 minutes are allotted time management वुड बी एन इशू फॉर श्योर आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन करने हैं एक सौ बीस मिनट में टाइम मैनेजमेंट कैन बी एन इश्यू फॉर श्योर प्लीज डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन टेस्ट सीरीज टू हैंडल दैट मेनी क्वेश्चन ओके सो देर इज सेक्शनल कट ऑफ फॉर ईच रोंग आंसर वन फोर्थ मार्क वुड बी डिडक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ऑल टेस्ट ऑफ पार्ट वन एंड पार्ट टू सो सेक्शनल कट ऑफ वुड भी देयर सेक्शनल कट ऑफ होगी कितनी होगी ये क्लियर नहीं है एंड दैट इज़ ग्रेट कि इन्होंने लिखा नहीं है कि फोर्टी परसेंट है या फिफ्टी परसेंट है अदरवाइज बहुत कम स्टूडेंट्स पास होते तो रिलेटिव है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सि रिस्पॉन्स के हिसाब से जितने बाकी लोग स्कोर करेंगे उसके हिसाब से जो है कट ऑफ तैयार होगी हर टेस्ट की

बाकी अब यहाँ पे डेढ़ सौ मार्क का आपका जो है रिटर्न एग्जाम है सो सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का रेशियो बनता है ओके सो सिलेबस इन द रीजनिंग एबिलिटी देर विल बी पजल्स सीटिंग अरेंजमेंट्स कोडिंग डी कोडिंग्स अलाउजिजम मशीन इनपुट आउटपुट डायरेक्शन सेंस टेस्ट ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस रैंकिंगस डेटा सफिशियंसी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड एक्जाम्शन स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ओके

एंड प्रपोर्शन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज राइट एंड देन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एलिजेबल एंड क्वाडरेटिक्युपेशन ये क्वांट में आगे आप आगे आ जाएगा आपके और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहशंस पैराजल्स एरर स्पॉटिंग ग्रमैटिकल एरर स्पॉटिंग फाइंड द ग्रैटिकल एरर्स वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग एंड द क्लोजेस द कॉमन क्वेश्चन इन दर इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर जनरली ईजी रहता है एंड द प्रोफेशनल नॉलेज क्रेडिट में क्या क्या आपको पढ़ना है इन द प्रोफेशनल नॉलेज फॉर क्रेडिट यू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट ओवर व्यू ऑफ क्रेडिट का मॉड्यूल मॉड्यूल वाइज मैंने सिलेबस बनाया है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग क्रेडिट पॉलिसी टाइप्स ऑफ बॉरवर्स टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिट डिलीवरी अप्रेजल ऑफ क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एंड टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय अ बैंक तो ये बेसिक ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट आ गया आपका यहाँ पे uh, उतना एग्जाम के लिए उतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं सो so, यहां से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉड्यूल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सी ए पी एम ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो टॉपिक है इट्स दैट एंड देन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया आर बी आई सैबी आई आर डी ए ऑल दैट राइट उनकी पावर्स वट एवर दे डू मनी मार्केट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑल द लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर देम आर बी आई फॉर देम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिक्स ऑफ डेरेवेटिव हाउ दे वर्क दर्क एंड कैपिटल बजटिंग ओके मूविंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट इज इंपॉर्टेंट बेसिक्स ओनली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग विच इज एन आर बी ए सर्कुलर नॉन फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स इसमें आपकी इंश्योरेंस वाली स्कीम्स अटल पेंशन योजना ए पी वाई एस आ जाएगी आपकी वय वंदना योजना आ जाएगी सुकन्या समृद्धि योजना मुद्रा योजना जनधन योजना वो सारी uh, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिटेल लोन्स एंड देन डॉक्यूमेंटेशन में आपका रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट और लिमिटेशन लॉ वो सारा इसमें आ जाएगा आई आर ए सी नॉम्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ़ इम्पेयर्ड एसेट्स डैट्स एन आर बी आई सर्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर सर्कुलर टाइप्स ऑफ चार्जेज आई बी सी और सरफाइसी एक्ट करेंगे विच इज़ पार्ट ऑफ द जो ये जो मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स उसके बाद ये बेसिकली लॉज ही हैं देन आर बी आई सर्कुलर यहाँ पर लिखा वन ईयर है सी लास्ट थ्री ईयर्स के अगर आप करेंगे दैट विल बी ग्रेट ऑल दो लास्ट थ्री फोर फाइव मंथ्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बट यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर आई वुड से मास्टर सर्कुलर्स जो मेन मेन मास्टर सर्कुलर्स हैं फॉर एग्जाम्पल प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग आपका बासिल के नॉर्म्स हो गए आई आर ए सी के नॉर्म्स हो गए दीज आर नथिंग बट आर के मास्टर सर्कुलर्स के है, के हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं उनके जो डायरेक्टर्स uh, अपॉइंट करने वाला पी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वाला जो सर्कुलर है दे आर लाइक मेजर मास्टर सर्कुलर्स यू यू आर सपोज टू नो दैट राइट अभी के जो सर्कुलर्स आते हैं इसमें क्या है इसमें बेसिकली कई जो सर्कुलर्स आते हैं उसमें डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं किसी सर, किसी पिछले सर्कुलर सर्कुलर की सो लास्ट थ्री ईयर्स के पढ़ेंगे इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल you can easily cover that within like three years within five six seven days you will be easily covering last three years of rba circulars i have done all the research for you basics of companies art and rba circulars are most important out of 50 questions at least I, I can assure you i can guarantee you फिफ्टीन क्वेश्चन वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम आर बी आई सर्कुलर एंड देर विल भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्राम आर बी आई सर्कुलर अगेन ओके बहुत सारे जो फुल फॉर्म्स हैं वो आर बी आई के सर्कुलर से ही उठाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर बी एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर अगेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर द सेक्शंस इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बाकी किस में याद करते हो नहीं करते नॉट इम्पॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आपको याद करने पड़ेंगे आर बी आई एक्ट इन द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन द कॉस्ट प्लीज चेक इट पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बेसिक लेवल पर करना है राइट एंड दैन द बैंकिंग रीफॉर्म्स थोड़ा स्टैटिक पोर्शन फॉरैक्स मैनेजमेंट इन इंडिया रेगुलेटरी बॉडीज रिपीट हो गया इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंड बैंकिंग टर्म्स इफ यू आर रीडिंग आर बी आई सर्कुलर तो ये ऑलरेडी आपका कवर हो रहा है <clears throat> mergers and acquisitions of uh, banking companies in India, credit rating and monthly banking digest. Whatever is happening is banking industry. Wo sara cover Ministry of Cabinet uh, Ministers, renamed government schemes, Indian financial system, financial market instruments, uh, international reports and indices, important committees, foreign investment and trade, growth numbers by various organizations, union budget, mergers and MOUs, <clears throat> heads of financial organizations, mutual funds, basal norms. सममिट्स एंड कॉन्फरेंस राइट जो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन में हुई हैं जो समिट्स गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशट इज़ द थिंग दैट यू शुड कंसिडर उसको याद रखें इंडियाज़ रैंक इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज मेड बाई इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन नॉट द प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन ओके लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स Uh, in the government organizations list of important days mou signed sports events and awards and honors right that's what we are going to cover in our PNBSO, credit officer course in which we are providing video classes notes quizzes test series and live sessions right link to join the course is available in the description please check the description to join the course right uh, and then we are going to provide the test series which is part of the course list of our successful students who took our courses in the past and they cracked the respective exams and i'm really really happy for them all these students that took our courses in the previous exams and they cracked the respective exams i'm really really happy for you happy for them and you can be one of them in the future आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक द लिंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज व्हाट्सएप मी आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर डाउट्स सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय